गाइस, आज हम जाने वाले हैं नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड से। वैसे यहाँ से तो जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। और हम जल्द ही इंडिया भी लौटने वाले हैं, बस 2-3 दिनों में। तो हाँ, हमारा ट्रिप करीब करीब ख़त्म होने ही वाला है। नेवर माइंड, आप सबको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ स्विट्जरलैंड का, जो नीदरलैंड्स में भी होता है। यहाँ पर कोई वाटर फिल्टर नहीं है, बस टैप्सी पानी पिया जाता है। अभी हम स्टेशन की ओर जा रहे हैं। हम फाइनली आ चुके हैं बैसल के स्टेशन पे। अभी हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। हम फिलहाल बैसल एयरपोर्ट पे हैं। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इस एयरपोर्ट का टर्मिनल हालांकि फ्रांस और स्विट्जरलैंड में बटा हुआ है, लेकिन ये पूरा एयरपोर्ट फ्रांस का है। बहुत देर से हम लाइन पर है, पता नहीं कब हमको जाना पड़ेगा। फूफा जी, आपको क्या लगता है? आज पहुँच जाएंगे, पता नहीं कब जाएंगे। पापा अगर अचानक से बोलते ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच, हम लोग घूमते रहेंगे फिर यहीं से ही। फाइनली एम्स्टर्डम पर आ चुके हैं। उसके बाद उस दिन रात के 12 बजे जी हैप्पी बर्थडे। 12 बज गया तो कैसा लग रहा है आपको 41 इयर्स याग होने पर? 41 इयर्स मैच्योर्ड होने पर। बर्थडे टू यू। ए फूदो फू आगे भी बर्थडे। अरे फूदो मार। ए दे 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 टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। So, बुआ जी कैसा लग रहा है इतने सारे गिफ्ट्स को पाकर? आते ही जा रहे, आते ही जा रहे। अब तो मैं लालची होते जा रही हूँ। सिल्वर, गोल्ड, अब ब्रॉन्ज भी। को एक सलमान खान का टाइप ब्रेसलेट मिला, कैसा मिला? फूफा जी सोच रहे कि सिल्वर की जगह गोल्ड होता है तो कैसा लगता? वीडियो तुलो, टिपो वीडियो। अगले दिन आज हम देन हाग जाने वाले हैं और डेल्फ में अब बहुत ही अच्छा वेदर है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड का। पिछले टाइम तो बहुत ही ज्यादा हवा था, मतलब आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे पिछले वीडियोस में। सो एनीवेज, अब वेदर अच्छा है थैंकफुली। वेट कर रहे हैं हमारा बस आने का। बुआ जी आपको कैसा लग रहा है जन्मदिन में? जन्मदिन में बहुत खुशी हो रही है। बस टाइम में ट्रम बस आ जाए तो हम बीच में जाके सेलिब्रेट करें। कितने सालों के बाद आप अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं? 10 साल के ऊपर, अभी तो याद भी नहीं, लास्ट था। अभी उम्र भी हो रही है ना तो याद। अरे आपने तो कहा 41 इयर्स मैच्योर्ड। 41 कहाँ 41, अभी तो 18 हुआ है। तो ये है यूएन का पीस पैलेस विच हाउसेस द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हम सब आए हैं देन हाग में। हाग, सो हाग में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बढ़िया। हाग में आकर कैसा लग रहा है? अपना अपना सा फीलिंग हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सेंसेशन फील हो रहा है। पापा सबको सेंसेशन। सुबह जो ना हुआ वो अभी होगा। आग में हाग होगा। हम अभी इस बीच पर आए हैं। यहाँ पर काफी सारे अट्रैक्शन है, बंजी जंपिंग भी है और हाँ बहुत अच्छा लग रहा है बीच पर। तो बुआ जी वापस केक काटने वाली है, कैसा लग रहा है? बस केक किसी तरह ऐसे ही रहे। रुको ना, टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday। हाथे कैमरा नहीं है की करते। तो अभी हम हैक के बीच पर है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी बहुत ठंडा है। बाय द वे बहुत मजा भी आ रहा है हैक के बीच में। ऊपर से कैसे लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। अभी यहाँ पे वो हैक वाला काम मत करना। तो एनीवेज, अब हम थोड़ी खाना पीना खाने के लिए आए हैं। यहाँ का बीच बहुत अच्छा है, ये नॉर्थ सी है। सो या एनीवेज बहुत मज़ा आया।
वी गॉट अवर लंच नाउ, बिल्कुल सी फूड का फॉर अवर बुआ का बर्थडे. कैसा लग रहा है? अभी तो खाना शुरू करना है, उसके बाद लाइव एट द बीच. और रहा नहीं जाता, तू वीडियो बंद कर. करना है ये, करना है तो चलो साथ में करते हैं. आप खुद जाइए ना, फिर बताएगा कैसा लगता है. एक एक दूसरे को धक्का मारिएगा, दोनों का हो जाएगा. उस दिन शाम के 8 बजे. सो अभी हम बुआ के बर्थडे को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं एंड वी हैव अ थीम ऑफ इंडियन वेयर टुडे यहाँ नीदरलैंड्स पर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है. सो अभी हम बस स्टॉप के लिए जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है बुआ जी? अभी हम लोग बहुत दिन बाद साथ में एथनिक वेयर पहन के बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ, वो तो बिल्कुल सही बात है. डंक बेल. अपेरेंटली ऑलमोस्ट सारे लोग हमारी तरफ घूर रहे हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे साइन भी कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है ऐसे बाहर के देश में इंडियन वेयर पहनने के लिए. तो बुआ जी कैसा लग रहा है आपको? अभी तो हमने पूरा डल्स में हंगामा कर दिया है, बाकी हंगामा भी बाकी है. जब हम बस में चढ़े तो ड्राइवर जी देखते ही बोल गए वेडिंग. हमने बोला हाँ जी वेडिंग, क्या बताएं उनको कि हम बर्थडे पे जा रहे हैं. और कुछ लड़कियां हमें बस से ऐसे दिखा रही. अरे ये एथनिक वेयर देख के तो मुझे लगता है एक साइकिल में बुड्ढी गिरी जाती है, ऐसा ऐसा करके देख के जाती है जैसे वो लोग कहाँ से आ गए. और बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस मिल रहा था हम लोग के यहाँ पे. फादर और बुआ जी, आप हम क्या करेंगे घर जाकर? बुआ जी तुम डांस. और फिर हमने ट्राई किया द टुम टुम डांस. टम टम नहीं हुआ, सो वी ट्राई ढोलीरा. But eventually we went for an easier dance. Recording failed. The recording failed. Later that day. मुझे कैसा लग रहा है पापा? मुझे लगता है कि आलू के बस्ते के साथ जर्नी कर रहा हूँ. तो उधर 16 वाले फूफा जी है ये, कैसा लग रहा है फूफा जी? कैसा लग रहा है? अच्छा ही है. Next day. आज फाइनली हमारा यूरोप का लास्ट डे है. बुरा तो बहुत लग रहा है, जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही. आज हम रोटरडम जाने वाले हैं, घूमेंगे नहीं, बस थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग ही करेंगे और फिर हम बाकी टाइम घर में ही बिताएंगे बुआ जी और फूफा जी के साथ. और कल हमारा सुबह सुबह जाना होगा एम्स्टर्डम पर शिफॉल एयरपोर्ट में, और वहाँ से हम जाएंगे मुंबई वाया इस्तानबुल अगेन. सो हाँ, बहुत वियर्ड लग रहा है. आज एक फ्राइडे है और पिछले फ्राइडे पर ही हम मुंबई आए थे. देयर वाज सो मच रेडिएंट एनर्जी एंड प्लान्स. और कल हम वापस जा रहे हैं मुंबई, लेकिन अब वो प्लान्स नहीं है, वो एनर्जी, वो एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बैक टू द ओल्ड रूटीन. बट या एनीवेज, सो हम रोटरडम में आ चुके हैं और अभी हम शॉपिंग के लिए जाने वाले हैं. अभी हम शॉपिंग के लिए निकले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं है रोटरडम का सेंट्रल स्टेशन, जो कि बहुत ही बड़ा है जैसा कि आप देख सकते हैं. इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम. बुआ जी ये क्या है? यहाँ पे मेरे जैसे सेलिब्रिटीज जो है वो आते हैं, जैसे हमारे बॉलीवुड से आके यहाँ पे परफॉर्म करते हैं. तो फूफा जी फिलहाल हमारे लिए पोफेचे ऑर्डर कर रहे हैं. सो बुआ जी, पोफेचे है क्या? हम लोग जैसे पिठा खाते हैं
ये उनका स्पेशलिटी है। अभी थोड़ी देर में जब आएगा तो हम दिखाएंगे कि कैसा दिखता है। ये परफेक्ट चेस जो फूफा जी लेकर आए, एंड देन वी मेड बुआ जी एंड फूफा जी लिसन द फेमस टुम्पा सुना सॉन्ग। एनीवेज अगले दिन गाइस, आज फाइनली वो दिन आ चुका जब हमें इंडिया वापस लौटना होगा। हाँ, बहुत बुरा लग रहा है। इस ट्रिप में हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा, बट अल्टीमेटली हर चीज़ का एंड होता है। सो एनीवेज, मुझे नहीं पता कि इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग कब आएगा, बट टू मेक श्योर यू कीप मी सब्सक्राइब, क्योंकि रैंडमली आई कैन पोस्ट वीडियो एनी डे। क्योंकि अब से मैंने प्लान किया कि जब भी मैं कोई न्यू एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करूँगा, सो डेफिनेटली आई व्लॉग इट। सो एनीवेज, हमारा लगेजेस को हम हमारे टैक्सी पर रख रहे हैं, एंड वी विल बी गोइंग फॉर शिफॉल एयरपोर्ट एम्स्टर्डम कुछ देर में ही। सो या, दैट्स इट। तो हम एयरपोर्ट आ चुके हैं एम्स्टर्डम का, अभी हम चेक इन के लिए जा रहे हैं। फुआ जी और फूफा जी, इतने दिन तो आप रात को देर से सोए, आप क्या सो पाएंगे जल्दी? दो तीन दिन तो लगेगा फिर से पुराने रूटीन में आने के लिए। जनता जानना चाहती है आज क्या करेंगे फुआ जी और फूफा जी। रेस्ट लेंगे, हम लोग उनका सिर खा चुके हैं, हमें खाली दिमाग लेके सोएंगे। उसके बाद एम्स्टर्डम एयरपोर्ट के गेट पे हम चले गए, जहाँ से हम इस्तांबुल जाना था। हमारा प्लेन लेट था, 11:30 आने वाला था, लेकिन आया 1:15, लेकिन फिर भी हम फाइनली पहुंच गए इस्तांबुल पर। और उसके बाद इस्तांबुल से हमने एक दूसरी फ्लाइट ली फॉर मुंबई। एक बात, इस्तांबुल एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, तो आप जब भी कनेक्टिंग फ्लाइट ली इस्तांबुल से, हमेशा टाइम लेकर जाइएगा। एंड यस, इसी तरह हमारा ट्रिप ख़त्म हो गया। फाइनली आ चुके हैं मुंबई। सो यार, दैट वाज ऑल फॉर द यूरोप ट्रिप। नहीं पता कि अगला व्लॉग कब आएगा, बट मेक श्योर यू कीप मी सब्सक्राइब्ड, क्योंकि रैंडमली आई कैन पोस्ट अ व्लॉग एनी डे। सो यार, दैट वाज ऑल, एंड आई होप यू आर ऑल वेल एंड गुड। इसी तरह जरूर हम मिलेंगे किसी नई व्लॉग में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।